हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही होगी। 120 तक के क्वेश्चन तो अपन जून अर्थमेटिक के देख चुके हैं, आगे के क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन यानी आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि होगा 121 नंबर। पहला क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट आर परसेंट पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन ऑफ रुपीज 2550 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आर एस 2400 एट द एंड ऑफ टू ईयर एंड द वैल्यू ऑफ आर। जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 2550 रुपये। और जब वो एस आई पे इन्वेस्ट करता है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 2400 रुपये इसका। अब आपको पता होगा जो एस आई होता है वो हर साल सेम रहता है, एस आई हर साल सेम रहता है, तो 1200 1200 हो गया 2 साल का। जो सी आई होता है वो तो पहले साल का एस आई और पहले साल का सी आई इक्वल होता है, मतलब ये इतना ही हो जाएगा। दूसरे साल का जो एस आई है ना वो 1200 तो होगा ही होगा, बट जो पहले साल 1200 इंटरेस्ट हुआ था ना इसके ऊपर इंटरेस्ट और लग जाएगा। 1200 कितना ज़्यादा है, वो 1200 तो पहले साल का हो गया, उसका भी सी आई भी दूसरे साल भी 1200 तो होगा ही होगा, बट इस 1200 पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो और होगा, वो कितना हो जाएगा? देखो 1200 1200 2400 हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया? 150। ये 150 इंटरेस्ट किस पे होगा? इस 1200 रुपये के ऊपर। जब 1200 का एक साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 150, तो रेट कितनी आ जाएगी? 150 अपॉन 1200, ये कितना हो गया? 12.5% रेट हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए कैन एम्प्टी ए टैंक इन 18 आवर वाइल पाइप बी विच डिस्चार्ज 8 लीटर ऑफ वाटर पर आवर इन द टैंक इज आल्सो अटैच्ड टू द टैंक देन इट टेक्स 72 आवर टू एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक। ठीक है, जब ए खाली ए भर रहा है तब पाइप ए कैन एम्प्टी ए टैंक, पाइप ए भी इम्प्टी कर रहा है बी भी इम्प्टी कर रहा है, और बी जो है वो 8 लीटर पानी निकाल रहा है पर आवर। ठीक है, और ये एक पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम ले रहा है? 72 आवर ले रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टोटल कैपेसिटी बतानी। पाइप ए है वो कितने आवर ले रहा है? 18 आवर। पाइप बी कितने आवर ले रहा है? 72 आवर ले रहे हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, वो क्या आ जाएगी? टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, जो कि कितनी हो गई? 72 लीटर हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। इस 1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? तो एक एफिशिएंसी है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 लीटर पर आवर दे रखी है। अपने को फिल कितना करना है? 72। तो 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसे तो क्वेश्चन गलत हो गए। ए वाइल पाइप बी विच डिस्चार्ज 8 लीटर ऑफ वाटर पर हावर इन द टैंक इज आल्सो अटैच टू द टैंक देन इट टेक्स 72 हावर टू एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक। एक मिनट हो, कैसे हो जाएगा? ए और बी, ए खाली करने में 18 आवर ले रहा है जबकि पाइप बी जो टैंक में प्रति घंटे 8 लीटर पानी छोड़ता है, टैंक से जुड़ा हो, टैंक में प्रति घंटे 8 लीटर पानी छोड़ता है, टैंक से जुड़ा होता है, तो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को मतलब बी फिल कर रहा है। बी विच डिस्चार्ज 8 लीटर ऑफ वाटर पर आवर इन द टैंक, इन द टैंक बोला हुआ है, डिस्चार्ज तो कर रहा है बट इन द टैंक, टैंक में भर रहा है वो 8 लीटर पर आवर से। ठीक है, तो जब बी और ए दोनों काम करते हैं ना तब उनको 72 आवर में वो टैंक खाली हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, ये कितना हो गया?
ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक होगी, और ए की एफिशिएंसी जो चार है वो खाली करने में है, मतलब ए प्लस बी जब खाली करते हैं तो एक की एफिशिएंसी से हो रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव में 3 हो जाएगी। और इस 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, आपको किसकी चाहिए, 72 की चाहिए, तो कितना हो जाएगा 8/3 × 72, तो ये कितना हो गया 24, 24 × 8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 192 लीटर। आवर इन द टैंक, जो पानी ये निकाल रहा है, ठीक है पानी निकाल रहा है बट टैंक के अंदर निकाल रहा है, बाहर से टैंक के अंदर निकाल रहा है, टैंक से बाहर नहीं निकाल रहा है। ये लैंग्वेज की गड़बड़ थी इसमें, मतलब लैंग्वेज की गड़बड़ क्या, लैंग्वेज घुमाई हुई थी जिसे अपन घूम गए हैं, क्वेश्चन सही था हम घूम गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 15 सेकेंड वाइल इट कैन क्रॉस 550 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 37 सेकेंड। जब भी एक ट्रेन खुद पोल को क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करती है, किसी आदमी को क्रॉस करती है या फिर खंबे को, मतलब खंबा पोल तो एक ही बात होगी, इनको क्रॉस करती है, तो खुद की लेंथ, प्लेटफॉर्म हो गया, अनदर कोई ट्रेन हो गई या फिर कोई सुरंग हो गई, टनल, इनको जब क्रॉस करती है तो टोटल दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती है। जब ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है ना तो वो 15 सेकेंड ले रही है, जब ट्रेन खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि कितनी है 550 मीटर, तो 37 सेकेंड ले रही है। तो ये खुद की लेंथ करने को तो 15 सेकेंड ही लग रहे हैं, मतलब जो बाकी के 22 सेकेंड रह गए, 22 सेकेंड वो इस 550 मीटर को कवर करने में लग रहे हैं, 550 मीटर कवर करने में उसको 22 सेकेंड लगते हैं, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 550/22 कितनी होगी, 50/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर/सेकेंड स्पीड आ गई। फाइंड द टाइम इन आवर्स टेकन बाई ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 324 किलोमीटर, 324 किलोमीटर जाना है, इफ़ द ट्रेन डिक्रीज इट्स स्पीड बाई 20%, 25 की स्पीड से 25 से 20% डिक्रीज, यानी 1/5, तो 1/5 इसका कितना हो गया, 5 5 डिक्रीज कर दी, मतलब 20 मीटर/सेकेंड रह गई, किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5, 5 से कट कर दिया तो ये 4 हो गया, 18 से ये कट किया तो ये 18 हो गया, 18/4 कितना हो जाएगा, 4.5 आवर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ये एक सिलेंडर हो गया, का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πRh, ये वाला जो सरफेस एरिया होता है वो प्लस ये दो सर्कल होते हैं, तो इनका कितना हो जाएगा, 2πR2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। एंड रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 9:16, कर्व्ड सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 9:16, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, सिर्फ 2πRh, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 704/16 × 9 हो जाएगी, क्योंकि 9:16 में दे रखा है ना, 16 की वैल्यू 704, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो निकाल लो 16 चौकू 44 × 9, 9 चौक 36, 36 × 11 करोगे तो ठीक है, 36 × 11 करोगे तो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या है, अब आपके पास दो इक्वेशन पड़ी है और दो वेरिएबल है, तो इसमें क्या दे रखा है, 2πRh + 2πR2 = 704 दे रखा है, 2πRh बराबर कितना दे रखा है, 396, तो 2πR2 बराबर कितना हो जाएगा, 2πR2 बराबर कितना हो जाएगा, 704 - 396, तो 4 तो इधर रह गया, 400, 304 और 4 308 सेंटीमीटर। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करते हो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 1 R से 1 R कट गया, तो h/r आ गया, h/r कितना आ जाएगा, 396/308, तो कितने से कट हो रहा है, 4 से कट होता है, 9 चौक 36 9 7 चौक 28 और 77, मतलब 9/7 क्या आ गया, हाइट एंड रेडियस का रेशियो आ गया, 9/7 आ गया। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो अगर यहाँ रखते हैं तो वैसे भी अपने को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से अपने पास आर भी आ रहा है, वैसे अगर ए ना करना चाहो ना तो आर निकाल लो, आर क्या आ जाएगा, तो
आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 308 अपॉन 2 इंटू पाई, कितना है 22 इंटू कर दो तो ये कितना हो गया, 2 से कट करोगे तो 154 यानी आ गया। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 यानी आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 ही आ गई। जबकि एच और आर का रेशियो अभी अपन ने निकाला था, बोलो मत उसको, अब जो काम निकाल लिया था वो निकाल लिया था। एच और आर का रेशियो 9/7 आएगा, आर की वैल्यू अगर 7 है तो 9 की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, मतलब एच की वैल्यू 9 हो गई। पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो गया 22/7, आर कितना है 7 × 7 इंटू 9 हो जाएगा, 7 से 7 कट हो गया, 9 × 63, 63 इंटू 2 126 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा 6 फिर 2 8 2 और 1 3 यानी 1386 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 26 डेज व्हाइल बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम। तो अच्छा है, सॉरी गाइस, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 26 डेज, ए और बी सेम एक काम 26 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 28 डेज में कर रहे हैं। इफ सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन ए, तो सी है ना वो ए से 25% लेस एफिशिएंट है, मतलब ए की एफिशिएंसी 5 तो सी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो बता दो। अब आपके पास एक तो ए प्लस बी 26 डेज में काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 28 डेज में काम कर रहे हैं, काम क्या है सेम काम है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, टाइम का रेशियो कितना है 13:14 है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 14:13 हो जाएगी। ए की पता है आपको कितनी है 5, सी की पता है 4 है, तो ए की यहाँ रखो 5 यूनिट प्लस बी, और ये कितना आ जाएगा बी प्लस सी की कितनी है 4 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 14:13 दे रखा है, तो 5 यूनिट प्लस 13b बराबर 14b प्लस 56 यूनिट, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इनको अपन ने यूनिट में ले लिया था ना, हाँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 - 56 यानी 9 यूनिट आ जाएगी। अब आपको क्या पूछा है b और फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ b और c की एफिशिएंसी का रेशियो, b की एफिशिएंसी कितनी है 9 यूनिट, c की कितनी है 4 यूनिट, तो क्या आंसर आ जाएगा और आ जाएगा। ऐसे भी कर लो, अगर ऐसे ना करना चाहो तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 28 × 13 आ जाएगा, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, और बाद में वापस वही सेम ही काम करना पड़ेगा। तो ये किया ना, ये अपन ने डायरेक्ट कर लिया वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126। रेशियो ऑफ एज ऑफ रिधि एंड नेहा आफ्टर 8 ईयर्स विल बी 8:7, आफ्टर 8 ईयर देर का इफ रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नेहा एंड दिव्या रिया इज 5:7 रेस्पेक्टिवली एंड प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ रिया एंड दिया इज 26 ईयर्स, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दिया, ठीक है। आपको क्या देर का है, रिधि और नेहा का 8 साल बाद का देर का है, तो रिधि प्लस 8 और नेहा प्लस 8 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। अगर इसको ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे कर लो, 8 यूनिट और 7 यूनिट मान लो 8 साल बाद, तो रिधि की आज कितनी हो जाएगी 8 यूनिट माइनस 8 हो जाएगी, नेहा की आज कितनी हो जाएगी 7 यूनिट माइनस 8 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इफ रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ नेहा एंड दिव्या, नेहा की कितनी है परसेंटेज 7 यूनिट माइनस 8, दिया की कितनी है हमें पता नहीं, और ये कितनी हो जाएगी 5:7 हो जाएगी। तो दिया की एज निकाल लो जो कि कितनी आ जाएगी 49 यूनिट माइनस 56 डिवाइड बाई 5 आ गई। आपको क्या दे रखा है, परजेंट एवरेज एज ऑफ रिधि एंड दिया, रिधि की कितनी है 8 यूनिट माइनस 8 प्लस दिया की कितनी हो जाएगी 49 यूनिट अपॉन 5 यानी 9.8 यूनिट, माइनस 56 अपॉन 5 करोगे तो कितना आ गया 11.2, इक्वल ये कितना हो गया
26 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 52 ईयर ओल्ड। तो ये कितना हो गया, 8 9 और 8 17.8 यूनिट। 8 इधर माइनस का तो ये 19.2 हो गया, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गया 0.2, 9 2 11 71.2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71.2 अपॉन 17.8 यानी 832 और 4 आ जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिया, दिया की परसेंटेज। तो परसेंटेज कितनी थी, 9, यहाँ रख दो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो 9 चौक 36 और 3 4 चौक 16, 3 196 माइनस 56 अपॉन 5 तो कितना हो गया, 140 बाई 5 यानी 28। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 127। ए बॉक्स कंटेन्स एक्स ब्लैक पेन, एक्स प्लस 4 रेड पेन, एक्स प्लस 8 ब्लू पेन। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन रेड एंड वन ब्लू पेन टुगेदर फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अनोदर एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक पेन निकालते हैं, कौन से निकालते हैं, रेड और ब्लू पेन एक के और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उस चीज की, 4/23 प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक पेन, ब्लैक पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। अब टोटल पेन कितने हैं, पहली बात तो ब्लैक पेन कितने हो गए, एक्स हो गए, रेड पेन कितने हो गए, एक्स प्लस 4 हो गए, ब्लू पेन कितने हो गए, एक्स प्लस 8 हो गए। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए, 3x प्लस 12 टोटल पेन हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या बोल रखा है, एक पेन तो उसका निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं, एक पेन किसका निकालते हैं, वन रेड पेन। तो रेड कितने, एक्स प्लस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3x प्लस 12। एक पेन किसका निकालते हैं, ब्लू पेन, तो वो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 8 अपॉन 3x। एक निकल चुका तो रिमेनिंग कितने, 3x प्लस 11 रह गए। ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 4/23 के इक्वल है, ठीक है। अब आपको या तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, x प्लस 4 से, ये देखो यहाँ से, ये देखो 3x प्लस 12 को देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू एक्स प्लस 4 लिख सकता हूँ, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट हो गया। तो ये 3 उधर, 3 को भी अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूसरी साइड ऊपर चला जाएगा, यानी 12/23 हो गया, 12/23 हो गया। तो ये देख लो कितना हो गया, 23x प्लस 8 3 24 8 2 16 184 इज इक्वल टू 36x प्लस 132। तो ये कितना आ गया, 13x बराबर 52। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक पेन, ब्लैक पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, x कितना हो गया, 4 अपॉन 4 3 12 और 12 24 यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर अपने से यही क्वेश्चन ये पूछ लेता ना कि एक रेड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और कुछ भी ना दिया होता, ये भी ना दिया होता, तो भी अपन सी एन डी इसका आंसर नहीं लगाते, क्योंकि एक्स प्लस 4 अपॉन क्या हो जाता, 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये तो एक्स प्लस एक्स ये कट हो गया, तो आंसर क्या रह जाता, 1/3 रह जाता अगर रेड पेन निकालने का बोलता तो। बट अपने से क्या पूछा इसने, ग्रीन, तो ग्रीन क्या हो जाएगा, 1/6। मिक्सर ए एंड बी कंटेंस जूस एंड वाटर इन द रेशियो 12:11 एंड 4:7। इफ बोथ मिक्सर आर मिक्स टुगेदर देन क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सर इज 450 ml। क्वांटिटी ऑफ जूस इन मिक्सर ए इज 40 ml मोर देन द क्वांटिटी ऑफ जूस इन मिक्सर बी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सर ए। आपको क्या बोला, एक ए एक मिक्सर है और एक बी एक मिक्सर है, जिसमें जूस और वाटर का रेशियो दे रखा है। ए में कितना है, 12:11। बी में कितना है, 4:7। और दोनों मिक्सर को मिक्स कर रहा है एक साथ। देन क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सर इज 450 ml। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 450 ml हो जाएगा। अगर इसको एक्स एक्स लेते हो तो आप कितना हो जाएगा, ये 12x और ये 11x। तो अगर वाई वाई लेते हो तो 4y और ये 7y। तो टोटल कितना हो गया, 12 11 23x प्लस 11y की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 450 दे दी। और क्या बोल रहा, क्वांटिटी ऑफ जूस इन मिक्सर ए इज 440 ml मोर देन द क्वांटिटी ऑफ जूस इन मिक्सर बी। तो
ए में जूस कितना है 12x, बी में जूस कितना है 4y, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 40 ml दे रखा है, ये एक एक ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से 4 से कट हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 10 रह जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को अगर 3 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा 33x प्लस 11y बराबर 330 माइनस आएगा ना बीच में, सॉरी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो ये कट हो जाएगा, तो कितना रहेगा 56x बराबर 08 और 780। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 780 डिवाइड बाई 56, तो कितना हो गया ये 13 से तो नहीं कट रहा ना, 14 से कटता है, 14 चौक 56 क्या होगा, और ये कितना हो गया 390 और 195 बाई 14 आ गया, तो कुछ कट ही नहीं रहा। और पूछा क्या आपसे, कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर ए, 195 बाई 14 इंटू 11 हो जाएगा, पॉइंट में जाने लग गया ऐसे तो आंसर गलत करेंगे, 12x माइनस 4y ये दिया है, जूस एंड वाटर 40 ज़्यादा है ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा, लाइक इससे किया 11 से तो 11 33x माइनस 11y बराबर 3, एक मिनट 11 से मल्टीप्लाई किया ना तो 11 इंटू 10 कितना होता है 110 होता है यार, 110 तो ये कितना हो जाएगा 560, तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई आपके पास, कितनी आ गई 10 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर 10 आ गई तो आपसे पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर है, वाटर कितना है ए में 11x, 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। अगर बी के लिए भी कुछ पूछता ना बी का, तो यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू 10 है तो ये 30 रखा तो माइनस 10 यानी वाई की वैल्यू कितनी आ जाती 20, और यहाँ पे वाई की वैल्यू रखी अपन आंसर इसका डाल देते। ए शॉपकीपर मिक्स्ड शुगर बोट एट RS 36 पर केजी विथ शुगर बोट एट 45 पर के जी एंड सोल्ड द मिक्सर फॉर RS 50 पर के जी एंड एन ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का प्रॉफिट कमा रहा है तो अगर उसका मतलब CP कितना रहा होगा 4 रहा होगा तो SP कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू आपको कितनी बता रहे हैं मिक्सर की 50, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, मिक्सर की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। आपको क्या बोल रहा है, एक तो 36 वाला ला रहा है एक 45 वाला ला रहा है, दोनों को मिक्स करेगा तो रेस एवरेज कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, डिफरेंस ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5, मतलब दोनों किस रेशियो में मिला रहा है 5:4 में मिला रहा है। इफ़ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बोट बाय द शॉपकीपर इज 90 kg, तो दोनों का रेशियो में टोटल कितना आ गया 9, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 90, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10। आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर बोट एट 36 पे कितना शुगर खरीदी थी, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 kg। देर आर 7 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ गिवन 7 कंजुकेटिव नंबर इज 122 एंड द लीस्ट नंबर इज 119, देन फाइंड द हाइएस्ट नंबर कितना हो जाएगा। आपको क्या दे रखा है, 7 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर है, एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, अगर 7 कंजुकेटिव नंबर है 1 2 3 4 6 7, ये मान लिया मैंने 7 कंजुकेटिव नंबर हो गए, तो इन 7 का एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा कि 7ों का सम कर लो डिवाइड बाय 2 कर लो तो कितना होता है 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, 28/7 करोगे तो क्या आ गया 4। जबकि कंजुगेटिव नंबर है लगातार बढ़ रहे हैं या लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, तो उनका मिडिल नंबर 7 है, 7 क्या है ओड है, ओड मतलब मिडिल नंबर क्या हो जाएगा उनका एवरेज 4 एवरेज हो गया। एक चीज़ और होगी, 1 + 7/2 करोगे तो कितना हो गया 4, 2 + 6 करोगे तो 8/2 4, 3 + 5 8/4, तो आपको पहला नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है पहला नंबर 119 दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है आपको 122, लास्ट नंबर आपसे पूछा है तो आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, ये कितना डिफरेंस है यहाँ पे 119 और 3 22, तो इधर भी 3 डिफरेंस आ जाएगा यानी 125, क्योंकि एवरेज तो बिल्कुल मिडिल में होता है ना। आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, बाकी एवरेज तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, 122 इंटू 7 कर लो फिर 119 उसमें से वैसे भी निकाल सकते हो।
वी कैन डू ए वर्क इन 45 डेज, टू टेक सिक्स से 2/3% मोर टाइम देन पी। पी कितना टाइम ले रहा है? 45 डेज ले रहा है। सिक्स से ही 2/3% कितना हो गया? 33 18 2 20/3%, 20/3% कितना होता है? आप कहोगे डिवाइड कर दो 100 से, तो कितना हो गया? 1/15। तो क्यू है ना वो 1/15 टाइम ज़्यादा ले रहा है क्यू से, पी से। तो अगर पी 15 टाइम ले रहा है तो क्यू कितना टाइम लेगा? 16 टाइम लेगा। पी 15 की जगह कितना ले रहा है? 45 ले रहा है, तो क्यू कितना ले लेगा? 48 डेज ले लेगा। पी स्टार्टेड वर्किंग एंड लेफ्ट ऑफ द वर्क आफ्टर 15 डेज। पी 15 दिन काम करता है और उसके बाद छोड़ के चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क विल कम्प्लीट इफ क्यू अलोन कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कौन करता है? क्यू करता है। पी 45 दिन में पूरा काम कर देता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा पी? खुद का 1/3 काम कर लेगा, जितना टोटल काम है उसका 1/3 कर लेगा। रिमेनिंग काम कौन करेगा? क्यू। कितना काम बचा हुआ है? 2/3 काम बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है। कुछ भी मान लो आप, कितना मान लो टोटल काम, कितना मान लो? 15 दिन तो स्टार्टिंग में लग गए, 15 दिन तो स्टार्टिंग में लग गए, बाकी बाद में दिन कितने लग जाएंगे तो निकाल लो। 45 और 48 का एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, जो कि कितना होगा? 15 × 3 × 16 हो जाएगा। उसके अंदर पी ने, पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 16। क्योंकि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 16 × 3 = 15। तो पी ने 15 दिन कितने की एफिशिएंसी से? 16 की एफिशिएंसी से 15 काम किया, तो कितना काम कर दिया? 16 × 15 काम कर दिया होगा। रिमेनिंग कितना रह गया? 16 × 15 × 2 रह गया। इसको किससे डिवाइड कर दो? क्योंकि एफिशिएंसी से तो टाइम आ जाएगा, यानी 32 डेज में कर देगा। 15 + 32 टोटल टाइम पूछ रहा है ना, टोटल टाइम कितना लग गया? 15 + 32 यानी 47 डेज लग जाएंगे। ए सम ऑफ मनी इज लेंट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस फॉर 2 ईयर। हाफ ईयरली पर लेता है और बेस क्या है इसका? 2 साल का है। तो टोटल अमाउंट उसको रिसीव्ड होती है वो कितनी होती है? 835210। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ मनी लेंट इज, जब उसने 20 7360 रुपये लिए थे, जो कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाता है? 835210। आपने कुछ रेट के ऊपर उधार लिए, बट वो हाफ ईयरली कर रहा है, हाफ ईयरली कर रहा है तो रेट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। टाइम क्या हो गया? डबल हो गया, क्योंकि हाफ हाफ के पीरियड हो जाएंगे, हाफ हाफ के पीरियड हो जाएंगे। एक साल में कितने पीरियड? 2 पीरियड, 2 साल में 4 पीरियड, मतलब जी ये 4 साइकिल में इतनी हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी? अगर मान लो वो 2R के ऊपर ले रहा था, 2 साल के लिए 2R पे ले रहा था, तो अब रेट कितनी रह गई उसकी? R ही रह गई, क्योंकि 2 साल के 4 साइकिल, तो रेट भी आधी कर दो। तो अब होता क्या है, जैसे अपन के अपने को प्रिंसिपल पता है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू 1 + R/100 की होल पावर 4 बराबर अमाउंट आता है। पी को इधर भेज दो, अमाउंट अपॉन प्रॉफिट हो, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल हो गया, जो रेशियो आ रहा है उसका अगर अपन ये 4 इधर से ये कर दें, क्या बोलते हैं इसको, मतलब रूट का भी रूट कर दें, तो अपने पास जो रेशियो आएगा वो यही तो आएगा 1 + R/100। 1 + R/100 क्या होता है? जैसे R बराबर आपके पास कितना है? 10 है, तो ये 1 + 10/100 कितना होता है? 110/100 होता है ना, वही चीज़ आ जाएगी यहाँ से। तो रेट कितनी आ जाएगी आपके पास? 10 आ जाएगी। ये एक एग्जांपल बताएं, रेट 10 आएगी ये पता नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाउंट है अपने पास, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना है? 835210 डिवाइड बाई कितना है? जो जो कट रहा है वो क्या कर दो? कट कर दो। क्या क्या कट हो रहा है यहाँ पे देखो, 1 0 से 1 0 कट हो रहा है, बाकी तो आपको देखो ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि सम नंबर से तो कट हो नहीं रहा। 8 और 3 11, 11 5 16 2 18 18 1 19, 8 3 11 5 16 2 18 19, मतलब 3 और 9 इनसे तो नहीं कटने वाला। ये 4 से कट नहीं रहा, 5 से कट नहीं रहा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 और 2 से नहीं कट रहा। 7 से देखो, 7 से देखा तो 1 13 65 7 65 तो 63 2 22 7 21, 7 से भी नहीं कट रहा।
आठ से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, 11 से देखो तो 8 और 5 13, 13 और 1 14, और 3 और 2 5, 14 और 5 डिफरेंस 9, तो ये भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कट रहा, 12 13 पे आओ, तो 13 पे आए तो आपके पास क्या क्या दिखा, आपको क्या दिखा 13 के पास आए तो, 13 6 78 बच गया, 55, 13 चौक 52, फिर 32, 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं कट रहा, ये कटेगा कितने से फिर, 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 17 से देखते हैं, 17 से कट भी सकता है नहीं भी कट सकता अपने को अभी तक पता ये, तो एक बार 17 से करके देखो, 17 से करोगे तो कितना हो गया, 17 चौक 68, 17 5 85, तो ये 155 और 36, 53, 55 22 और 17 51, 17 से ये कट रहा है, 17 से ये कट रहा है तो नीचे वाला भी कट रहा है क्या, 17 1 1 37, 17 2 34 33, ये 17 से नहीं, ये हो क्या रहा है, नहीं ये 17 का क्यूब हो तो नहीं होगा, होएगा बाद में जाके, मतलब 0 से तो 0 कट रहा है, 17 का क्यूब ऊपर तो नहीं रहेगा, नीचे वाले को देखो आपको पता है ये 4 से कट रहा है, तो 4 से कट करो इसको, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 33, 8 × 32, 5 × 184 वापस दिख रहा है आपको, 4 से कट रहा है, इस 4 को 16 कर दो और इस 5 × 184 को 4 से कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 11, 4 × 2 = 8, 9 × 36, 6 × 24, 1296 आ गया। अब ये आपको क्यूब दिख रहा है, क्यूब नहीं 36 का स्क्वायर दिख रहा है, क्या रह गया 16 × 36 × 36 दिख रहा है, तो ये किसी से कुछ ना कुछ कट होना चाहिए तभी जाके ये आएगा, वरना तो ये इधर क्यूब कुछ बन रहा है क्या, ये तो 6 × 6 हो गया, ये भी 6 × 6 हो गया और ये 4 × 4 हो गया, तो ये क्यूब तो मेरे को नहीं दिख रहा था, तो क्यूब क्यों चाहिए अपने को चाहिए 4 गुना, अपने को तो उधर ये क्या लेना है फिर उसके बाद ये लेना है ना, तो ये चाहिए अपने को, तो अपने को ये बनता हुआ दिख रहा है देखो, 6 6 6, ये तो 4 बार आ गया, 6 की पावर 4, 4 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 4, ये कटता हुआ दिखा मुझे, ठीक है 6 की पावर 4 × 2 की पावर 4 दिखा नीचे वाला। अब आपको पता है ये 17 से कट रहा था, तो 17 से कट किया तो 17 × 17 17 चौक 68 बच गया 155, 17 निमा का 153 बच गया, 22, 17 × 1 = 51, 4 × 9 = 13, 4 × 9 = 13, क्या 17 का क्यूब होता है, बिल्कुल होता है, तो ये 17 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 17 की पावर 4 हो गया, और नीचे वाला 6 की पावर 4 × 2 की पावर 4 हो रहा है, बिल्कुल। तो अब इसमें अपने को क्या लेना है, जैसे क्यूब रूट स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो 4 वाला जो भी रूट होता है वो ले लेंगे, तो रिमेनिंग अपने पास कितना आ जाएगा 17, और नीचे से 1 6 और 1 ये 12, 17/12 आ गया, मतलब इस 12 के ऊपर 5 रुपये का इंटरेस्ट होगा, तो 5/12 तो 100 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5/1, 100/12 कितना होता है, 100/12 कितना होता है 8.33 होता है, × 5 कर दोगे तो कितना हो गया 5 × 3 = 15 = 65 और 1 × 8 = 44 और 41.65, ये क्या आया आर आया, आपसे क्या पूछा है ब्याज दर पूछी है, ब्याज दर आपने कितने लगाई थी 2R लगाई थी, इसका भी डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा मतलब कितना हो गया 83.3 हो जाएगा, 83.3 यानी सी आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज प्राइस ऑफ पी बुक इज ₹45 एंड इज इंक्रीज बाई ₹3 वेन द प्राइस ऑफ 12 मोर बुक इज एडेड, इफ द एवरेज ऑफ 12 बुक्स इज ₹52 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो जब पहले पी बुक थी उनकी इन एवरेज कितनी थी 45 थी, बट 12 बुक और मिला दी तो एवरेज कितनी होगी 3 हो गई, ठीक है एवरेज 3 इंक्रीज होगी, सॉरी पहले 45 थी अब कितनी होगी 48 होगी, अगर वो 45 45 45 ही लेके आते 12 वाले तो उनकी एवरेज क्या इंक्रीज होती किसी से नहीं होती, बट वो 45 नहीं लेके आए, सात सात ज़्यादा लेके आए, 7 एक
ज्यादा लेके आई तो 12 पुस्तक टोटल कितना ज्यादा लेके आई, 84 ज्यादा ले आई। 84 के तीन तीन के टुकड़े हुए, 84 के तीन तीन के टुकड़े हुए, सब में ऐड हो गया 84 तीन तीन बार, तो कितना ऐड हुआ, 28 बार ऐड हुआ है। इस 28 बार ऐड हुआ है, इसके अंदर 28 में से 12 तो कौन सी है, नई वाली बुक है, तो पुरानी बुक कितनी थी, 16। आपसे क्या पूछा है, पी की वैल्यू, पुरानी बुक कितनी थी, पी, पी की वैल्यू कितनी होगी, 16। वापस से समझ लो एक बार, देखो मैं बताता हूँ। आप फ्रेंड थे, कुछ फ्रेंड थे, पी फ्रेंड थे, एक होटल में गए, आपका खाना खाया, आपका 45-45 रुपये का बिल बना। आपके 12 फ्रेंड और आ गए उसके बाद, उन्होंने भी खाना खाया, तो उनका बिल बना 52-52-52। आपका पहले कितना बन रहा था, 45-45-45 बन रहा था, उनका कितना बना, 52-52-52 बना। तो फिर उन्होंने, आपने क्या किया कि सारे एक साथ मिक्स हो जाते हैं, सारे एक साथ मिक्स हो जाते हैं। पहले आप पी फ्रेंड थे, 12 और आ गए, टोटल फ्रेंड कितने हो गए, पी प्लस 12 फ्रेंड हो गए। अब तो पहले 45 रुपये का बिल बन रहा था ना, वो जो 12 आपके फ्रेंड आए, उन्होंने 52 रुपये का बिल बन रहा था उनका, तो अब वो मिक्स किया ना, तो बिल कितने का बन गया, 48 का बिल बन गया। तो ये 48 का अगर बिल बन गया, तो ये पहले से कितना ज़्यादा बिल बन गया, 3 ज़्यादा बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि उनका 52-52 का था, तो अगर उनका भी 45-45 का होता, तो पर बंदे का 7-7-7 कम होता, एक बंदे के 7 रुपये कम होते, तो टोटल कितने कम होते, 84 रुपीज़ कम होते। बट ये 84 रुपीज़ अब तो है, ये किस में डिवाइड होंगे, पी प्लस 16 बच्चों में डिवाइड होंगे पूरे, मतलब पी प्लस 12 बच्चों में डिवाइड होंगे, और कितने, तीन 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 हो गए, एक जने को 3 रुपये मिलेंगे, तो 84 रुपये कितने जनों को मिलेंगे, आपको 28 जनों को मिलेंगे। पी प्लस 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 28, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अगर ये भी ना करना चाहो तो आपके सामने देखो, मैंने एलिगेशन का हिंट दिया था, कैसे दिया था, 45 था, 52 वाले आ गए, तो मिलाने पे कितना हो गया, 48 हो गया, ऐसे मैंने बनाया था। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, ये डिफरेंस कितना हो गया, 3, तो नए आ रहे हैं वो 3, 3 की वैल्यू कितनी है, 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। टोटल स्टूडेंट, टोटल अब पूछे ना कितनी बुक है, तो भी आप बता सकते हो कितनी होगी, 16 प्लस 12 28। फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स प्राइस ऑफ ए मोटरसाइकिल इंक्रीज बाई 16 से 2/3% इन एवरी ईयर। इन 2018 आफ्टर ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन बाइक प्राइस, वो बाइक इज डिक्रीज बाई 16 से 2/3% इन एवरी ईयर। द प्राइस ऑफ ए बाइक इन 2021 विल बी व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द प्राइस ऑफ बाइक इन 2015। 2015 में जो बाइक की प्राइस थी ना, उससे 2021 में कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। 2015 में मान लो एक्स रुपये थी, तो 2016 में कितनी हो जाएगी, 1/6 इंक्रीज हो रही है, 1/6 इंक्रीज हो रही है, मतलब 7/6 हो जाएगी। 2016 में भी, 2017 में कितनी होगी, 7/6, 2018 में भी 7/6 इसका। 2018 से क्या हुआ, 1/6 कम होने लग गया, 1/6 कम होने लग गया, मतलब 6 से 5 होने लग गया, मतलब कितना हो गया, 5/6 × 5/6। 2018, 19 तक, 20 तक और ये 2021 तक, तो ये 2021 में वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ बाइक इन 2021 विल बी व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द प्राइस ऑफ बाइक इन 2015, तो 2015 का कितना हो जाएगा, तो ये आपको पता है कितना है, 7 × 7 × 7 343, एक्स इंटू 125/216 × 216, तो ये आपको सोल्व करना है, कर लोगे। अगर मैं इस एक्स की वैल्यू ही यही मान लेता हूँ, 216 × 216, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 343 × 125 आ जाएगी, जो कि कितनी होती है वो देख लो, कर लोगे। अगर इसको 100+25 करते हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका 1/4 कितना होता है, 8 × 32 32, 5 × 20 7 × 28 75, तो 75, 5 × 3 8 42, 875 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 216 × 216 करोगे तो कितना आ जाएगा, 216 × 200 करो तो 432 00 आ गया, और 16 और मल्टीप्लाई कर दो तो 16 6 256 2 32 2 34, कितना हो जाएगा ये, 6 5 4
दो 6, 46, 466, 56 हो जाएगा। अब कितनी है, 428.76 है। तो आपसे क्या पूछा है, ओवरऑल पूछा है ना, ओवरऑल निकाल दो। अब कितना रह जाएगा, तो बता दो कैलकुलेशन, अब कितना कितना ज़्यादा है, ये कम है, कम है सॉरी, 2021 में कितना कम हो जाएगा, 1, 8, 7, 15, 9, 7, 16, 3, 3,781 कम है, 46,656 इंटू 100, तो लगभग 37 से आओगे तो कितना हो गया, एक बार तो चला गया, कितना रह गया, 37, 81 और इसमें 46, 65 में 900 के समथिंग, 900 से थोड़ा सा कम, तो 900, 9,006 आ गया, 9,006 यानी 3, 12 के लगभग, अगर 12.5 मान लो, 12 के लगभग, तो 12.5 और ये 100 कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर अपन ने कैलकुलेशन थोड़ी करी है, इन्होंने ऑप्शन बहुत नज़दीक दे दिए हैं और अपने कैलकुलेशन थोड़ी सी अप्रोक्स करी है, अप्रोक्स करिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये सही होना चाहिए, 8% बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन ने 12 पॉइंट कुछ जा रहा था, 12.13 तक नहीं जा रहा था, 12 पॉइंट कुछ जा रहा था, तो 12.5 कितना भाई, 8% होता है। सॉरी, ए कंटेनर पी कंटेंस मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 14.28% मोर देन द मिल्क। एक कंटेनर है पी जिसके अंदर मिल्क और वाटर दे रखा आपको, इन विच वाटर इज 14.28%, 14.28 कितना होता है, 1/7 वाटर है वो मिल्क से, 1/7 ज़्यादा है, अगर मिल्क 7 तो वाटर कितना हो जाएगा, 8। एंड अनोदर कंटेनर क्यों कंटेंस मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 12.5% मोर देन मिल्क। एक कंटेनर क्यों है जिसके अंदर मिल्क और वाटर, जो वाटर है ना वो 12.5% यानी 1/8 ज़्यादा है, अगर मिल्क 8 हुआ तो वाटर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इफ इक्वल क्वांटिटी बोथ कंटेनर्स आर इम्प्टीड इनटू ए लार्जर कंटेनर आर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द कंटेनर आर। कंटेनर आर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, 15, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, 17। ये क्या बोल रहा है, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल तो 15 और 17 को इक्वल बनाओगे तो इंटू 17 और इंटू 15 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, वाटर टू मिल्क पूछा है, तो पी में वाटर कितना हो जाएगा, 17 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8, 7, 56, 5, 8 और 5, 13। क्यू में वाटर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9, 135। पी में मिल्क कितना हो जाएगा, 17 इंटू 7, 19। क्यू में वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, 15 इंटू 20। पी कितना रेशियो आ गया, 6, 5, 11, 261 रेशियो 239 हो जाएगा, 261 के साथ रेशियो हो जाएगा 271 हो जाएगा, सॉरी 271 रेशियो 239 यानी ये आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर। सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बोला है, और ये एल और ये बी, तो एल प्लस बी कितना दे रखा आपको, 48 दे रखा है, एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड, तो लेंथ है वो 12 मीटर मोर देन है ब्रेड से, मतलब एल माइनस बी कितना देर का है, 12 देर का है, तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 48 + 12 = 60 / 2 = 30, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। इफ लेंथ इज डिक्रीज बाई 5 सेंटीमीटर, लेंथ को डिक्रीज कर दिया 5 सेंटीमीटर, कितनी हो गई, मतलब 25 हो गई, एंड ब्रेड इज इंक्रीज बाई 5, 4 सेंटीमीटर यानी 22 हो गई है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो पहले एरिया कितना हो रहा था, 540 18 × 30, अब एरिया कितना हो जाएगा, 22 × 50 यानी 22 × 25 यानी 11 × 50 यानी 550, तो कितना चेंज हो रहा है, प्लस 10 हो रहा है, तो परसेंटेज देखना है, तो 10/540 तो 10 से 10 चला गया, 100/54 आ गया, 100/54 आ गया यानी 54/54 प्लस 46/54, मतलब ये तो 1 आ गया, प्लस 0. कुछ, तो 1. कुछ आ जाएगा, तो 1. कुछ यानी ए आंसर, और ये 0. कुछ आपको पता ही है, जब वहाँ तक 46 में डिवाइड कर रहे हैं, 54 का मतलब लगभग
70-80 के आसपास तो आना ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज एज मैनी ईयर यंगर देन क्यू एज आर इज यंगर देन पी। पी जितना क्यू से यंगर है उतना ही आर पी से यंगर है, मतलब अगर क्यू माइनस पी जो अपन देखें वो आर पी माइनस आर के इक्वल है, मतलब 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू प्लस आर। आपको क्या बोला है इसने, देखो पी क्यू से उतना छोटा है, पी क्यू से उतना छोटा है जितना आर पी से छोटा है, जितना आर पी से छोटा है, तो क्यू माइनस पी हो जाएगा क्यू पी से कितना छोटा है, मतलब पी क्यू से कितना छोटा है, क्यू माइनस पी हो गया तो कितना हो गया, मान लो एक्स वैल्यू आ गई, वो तो पी जितना आर से बड़ा है उतना हो जाएगा, मतलब आर पी से जितना छोटा है, तो पी माइनस आर बराबर भी एक्स हो जाएगा, 2p बराबर क्यू प्लस आर। एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ क्यू एंड आर इज 8 ईयर्स, लेस देन द परसेंटेज ऑफ एस इफ 6 ईयर लेटर एज ऑफ एस इज 30 ईयर। 6 साल बाद एज ऑफ एस कितनी है, 30, तो आज कितनी हो जाएगी, 24। और ये जो क्यू और आर का एवरेज है ना वो 8 साल कम है किससे, एस की परसेंटेज से, एस की परसेंटेज कितनी है, 24, तो क्यू और आर का एवरेज कितना आ जाएगा, क्यू प्लस आर का डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 24 - 8 आ जाएगा, जो तो कि कितना हो गया, 16 आ जाएगा, मतलब क्यू प्लस आर कितना हो गया, 32, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा, देन हाउ ओल्ड पी विल बी आफ्टर 9 ईयर, पी 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 ईयर का हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन पी इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ ट्रेन क्यू इज 22.22% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन पी। 22.22% कितना होता है, 2/9 होता है, मतलब अगर पी की स्पीड 9 तो क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। पी की आपको वैल्यू दे रखी है 36, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 44। एंड दे क्रोसेस ईच अदर एन अपोजिट डायरेक्शन इन 25.2 सेकेंड्स। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों कब क्रॉस कर लेती हैं, 25.2 सेकेंड में, मतलब दोनों की टोटल लेंथ क्रॉस कितने सेकेंड में हो जाएगी, 25.2 सेकेंड में टोटल लेंथ हो गई एक, तो अपोन क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं। 36 + 44 कितना हो गया, 80। 80 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, इससे किस में चेंज करो, मीटर पर सेकेंड में, तो 18 × 5/18, तो 18 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया, 400, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 400 × 25.2 × 18, ये 9, ये 209 से कट गया, तो ये 9 × 18 9 6 72, तो 26 × 2.6 × 200 कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी, 520, और पी की लेंथ आपको पता है 240 मीटर, तो क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, 520 - 240 तो कितना रह गया, 280 रह जाएगा। ए बी सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 17:21:15। कौन कौन है, ए बी और सी, 17 यूनिट 21 यूनिट 15 यूनिट। आफ्टर 5 मंथ्स ए एडेड आर एस 1000 मोर, 5 साल के बाद ए 1000 ऐड कर देता है, मतलब 17 यूनिट प्लस 1000 हो गए, मोर। एंड आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी विड्रो, बी विड्रो कर देता है कितना, 100 रुपये, 21 यूनिट - 600 हो गया। इफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज 239:240, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी। बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो आपको पता ही है, 21:15 है बी और सी का, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी। ये इन्वेस्टमेंट का नहीं पूछ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट का पूछ रहा है तो 7:5 आंसर हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस हो जाएगा, आई थिंक प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है ये। इफ द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ये भी एनुअल होना चाहिए ना, कुछ नहीं दिया तो अपन एनुअल ही मान के चलते हैं। अपने से क्या पूछा है, चलो टोटल इन्वेस्टमेंट भी तो निकाल सकते हैं अपन बी का,
का मतलब 21 यूनिट, और ये 8 मंथ के लिए। तो अगर एक साल के लिए अगर अपन लेते हैं तो ये तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, और ये 12 से हो जाएगा। अभी उससे तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों से मतलब है। ये 17 यूनिट प्लस इंटू 5 हो गए, यहाँ 17 इंटू 7 हो जाएगा। 17 यूनिट अगर कॉमन लेता हूँ तो 17 यूनिट प्लस इंटू 12 हो जाएगा, प्लस ये 7,000 रहेगा। ये रेशियो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 8 और 21 इंटू 4 यानी 21 यूनिट इंटू 12 माइनस 400। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 यूनिट इंटू 12 करो तो 12 संते 84 8 12 8 20, 204 यूनिट प्लस 7,000 अपॉन 21 इंटू 12 कितना हो गया, 252 यूनिट माइनस 2400 इक्वल में कितना आ जाएगा, 239:240 दे दिया। जो जो कट रहा है वो कट कर दो पहले, ज़्यादा आगे लेके नहीं जाएंगे अपन कैलकुलेशन। देखो 4 से कटते हुए दिख रहे हैं, 4 से इसको कट किया तो 51, इसको 4 से कट किया तो ये 25 इंटू 70 आ जाएगा यानी 1750 आ जाएगा, इसको 4 से कट किया तो 6 चौक 24 63 ये हो जाएगा। तो आगे तो ये नीचे वाला सारा 3 से कट हो रहा है, नीचे वाला अगर 3 से कट हो रहा है तो ये कितना हो गया 21, और ये तो इधर 80 रह गया, 14 12 2 14 9 ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 51 यूनिट कितना हो जाएगा, 51 यूनिट इंटू 80 कितना हो जाएगा, 4,080 यूनिट प्लस 1750 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 0,08540 4 256 4 6 14 इक्वल कितना हो गया, 21 यूनिट इंटू 239। तो 239 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 239 ही हो गया, और ये 478 हो गया, 9 8 3 11 8 2 10 5019 यूनिट देगा, 200 इंटू 239 यानी 4780। ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4780 यानी 18 7800 बराबर 5019 यूनिट माइनस 4,080 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 187800 अपॉन 5019 माइनस 1089, तो 9 9 आ गया, 11 माइनस 8 तो 3 9, तो 939 हो जाएगा यानी ये 200 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। अब अगर अपने से क्यों बी और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो पूछा है तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 21 यूनिट इंटू 12 हो जाएगी, माइनस कितनी है 2400, और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 15 यूनिट इंटू 12 हो जाएगी, 15 यूनिट इंटू 12 से तो 12 सब जगह कट ही हो गया, तो 21 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की आपको, 221 इंटू 200 माइनस 200, 21 इंटू 200 माइनस 200, तो 21 अगर 200 यहाँ पे कॉमन लोगे तो 21 इंटू माइनस 21 माइनस 1 रह गया यानी 20 इंटू 200 आ गया ऊपर, तो नीचे कितना आ जाएगा, 15 इंटू हो जाएगा, तो 200 से 200 कट हो गया, 20/15 कितना होता है, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा अपना जी आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर ली थी, ये मिटा देते हैं। सौरभ बोट ए मोबाइल फोन फ्रॉम ए स्टोर एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस, इफ द शॉपकीपर हैज द प्रॉफिट ऑफ 19% एंड SP ऑफ द मोबाइल इज 2975, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CP एंड MP ऑफ द मोबाइल। CP और MP में डिफरेंस पूछा आपसे। सौरभ क्या करता है, डिस्काउंट देता है 15% का मार्क प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट देता है। अगर मार्क प्राइस उसने 20 मानी तो SP कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो उसने उसको प्रॉफिट मिल रहा है कितने का, 19%। अगर उसका CP 100 है तो उसको SP कितना मिल जाएगा, 119 जाएगा। और उसने क्या बोल दिया कि जो SP है वो कितना है, 2975 है। अगर SP की 119 की वैल्यू आपके पास 2975 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2975 अपॉन 119, तो दो बार चला गया 238 9 8 17 59 595 हो गया यानी 5 बार चला जाएगा। एक की वैल्यू 25, तो इस 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी।
आपके पता है कि सी ए जो 17 है ना, की भी वैल्यू क्या है, ये भी एस पी है, उसकी वैल्यू कितनी है 2975, यानी यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 × 7 आ जाएगी, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई 500 × 7 यानी 3500 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है क्या है दोनों में सी पी और एम पी में डिफरेंस, तो 3500 और 2500 में डिफरेंस कितना हो गया 1000 का हो गया। यहाँ 25 × 7 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो 119 से डिवाइड करते हो तो 25, 119 में क्या है 17 × 7 है, सिर्फ 17 से डिवाइड करना है तो आंसर में 7 का मल्टीपल आएगा ना 25 × 7, 3500 और 2500 में डिफरेंस क्या हो गया 1000 का हो गया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।